किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा की आखिरकार एंट्री हो ही गई। आंदोलन के आज 11वें दिन किसान संगठनों ने आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में हुई बैठक में किसानों ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का ऐलान किया है। दिल्ली कूच रोकने के दूसरे दिन आज वो अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा की आखिरकार एंट्री हो गई है। आंदोलन का आज 11वां दिन है। 21 फरवरी को पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर हुए बवाल के दौरान एक किसान की मौत हो गई। इसी को लेकर किसान आज आक्रोश दिवस मनाएंगे। इस बवाल के बाद किसानों ने आंदोलन को 2 दिन के लिए रोक दिया था, जिसका आज 2रा दिन है। आज ही किसान अपनी आगे की रणनीति का खुलासा भी करेंगे। हमारा तो पूरा सपोर्ट है, एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है, हमारा पूरा सपोर्ट किसानों के साथ में है। ये लड़ाइयाँ लंबी है, किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। कल संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में बड़ी बैठक हुई, जिसमें 6 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया। यही पैनल तय करेगा कि कब और किससे बात करनी है। किसानों ने आज आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया। 26 फरवरी को हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला हुआ, साथ ही 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करने का फैसला लिया है। साथ ही आगे की रणनीति का खुलासा आज करने का फैसला किया गया। ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे। उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे। एक साइड में जो रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। किसानों के इस आंदोलन के केंद्र है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर, और उनमें भी शंभू और खनौरी बॉर्डर खासकर, क्योंकि इन्हीं 2 जगहों पर सबसे ज्यादा किसान दिल्ली कूच के लिए जमा हुए हैं। हरियाणा में दाखिल होने की कोशिशों के दौरान यहीं सबसे ज्यादा झड़पें भी हुई हैं। मामला दिनों दिन गंभीर होते देख सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए लगातार अपील कर रही है। किसानों के लिए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और समर्पित है। अभी आपने देखा होगा किसानों के मामले में जो दर निर्धारित की गई, 340 रुपया का दर निर्धारित किया गया है, तो इसी तरीके से सभी क्षेत्रों में समय समय पर उसका रिव्यू होता है और उसको किया जाता है। सरकार सदा किसान नेताओं से तैयार थी, आज भी है। जो भी किसान संगठन बातचीत करना चाहते हैं, पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई, और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार है। हर कदम मोदी सरकार ने किसान के हित में लिया, उसकी आमदन बढ़ाने के लिए लिया, उसको समृद्ध संपन्न बनाने के लिए लिया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच के लिए डेरा डाले हुए हैं। किसान नेताओं की बैठकों का दौर भी जारी है। सरकार भी लगातार अपील कर रही है, लेकिन किसान नेता अभी किसी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर पर झड़पें बढ़ने के बाद 2 दिन आंदोलन तो रोक दिया, चंडीगढ़ में बड़ी बैठकें भी की, लेकिन सरकार से बातचीत को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। वो अपनी मांगों पर अभी भी अडिग है। आप MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाने के हल के लिए मीटिंग करेंगे, यही एजेंडा लिख दीजिए, मीटिंग में वार्ता होगी। भारत सरकार यह एजेंडा लिखने से भाग गई है। इस तरह का अभी जो कार्य हो गया, जिस तरह से हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, तो इस परिस्थितियों में वार्ता करना इतना आसान नहीं है। सरकार और किसानों के बीच अब तक सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद मामला गंभीर होता जा रहा है। बॉर्डर पर डेरा डाले किसान खाली हाथ घर लौटने के लिए तैयार नहीं है। हमारा प्लान तो शांतिमय प्रदर्शन करना है, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो हमारी जथेबंदी बोलेगी हम उसी हिसाब से चलेंगे। हमारे जहन में पहले भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं चल रहा। हमारे जहन में चल रहा है हमें MSP चाहिए
स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए और किसान की कर्जा मुक्ति चाहिए। हमारी मांगे पूरी हो जाए हम दिल्ली क्या करेंगे? हमारी दिल्ली नहीं है, दिल्ली तो हमारी भी है। खनौरी बॉर्डर पर जमा हुए किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।